नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीनदयाल एडिटर यूट्यूब चैनल पर फिर से एकदम नई वीडियो में। तो गाइस, अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी लिख कर दे देता हूँ कि आप भी अपने हेयर की कटिंग, एक एक हेयर की कटिंग आसानी से करना सीख जाएंगे और कंप्यूटर की तरह ही बैकग्राउंड रिमूव करना भी सीख जाएंगे। तो गाइस, वीडियो बहुत नॉलेजफुल है और हेल्पफुल है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि गाइस इस चैनल पर मैं कुछ इसी प्रकार के एडिटिंग ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अपने बालों की एक एक हेयर कटिंग करने के लिए और अपने बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, पीएस टच एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमें फ़ोटो लाइब्रेरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जो भी हमारी फ़ोटो है जिसका हमें बैकग्राउंड इरेज करना है और एक एक हेयर की कटिंग करनी है, उस फ़ोटो को हमें इसके अंदर ऐड कर लेना है। फ़ोटो ऐड करने के बाद क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि इसकी साइज़ मेरे को बहुत अजीब लग रही है। गाइस, इतना वर्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें नीचे से फर्स्ट नंबर पर क्लिक करके रखना है। इसके बाद हमारे सामने चार ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। इसके बाद हमें ऊपर से थर्ड नंबर पर जाना है और आपको फर्स्ट नंबर पे ही स्क्रिबल सेलेक्शन टूल दिखेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कीक के ऊपर क्लिक करना है और जो हमारा मॉडल है उसके ऊपर इसको फेर देना है। तो गाइस, जिस प्रकार मैं फेर रहा हूँ उसी प्रकार आपको फेर देना है। आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मॉडल को ग्रीन से कवर कर लेना है। गाइस, इतना वर्क हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें रिमूव पर जाना है और जो मॉडल के साइड का एरिया है उसमें इस ब्रश को फेर देना है। तो गाइस, मॉडल के साइड में फेरने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा सिलेक्शन है वो सिर्फ मॉडल पर हो जाएगा। अब हमें जहाँ जहाँ पे एडजस्ट करना है वहाँ पे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है तो हमें रिमूव पर क्लिक करके इसको बाहर की तरफ कुछ यूं पर फेर देना है। गाइस, हेयर का मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हाथ और पैर का देख लेते हैं। हेयर के लिए एक अलग टूल यूज़ होगा। गाइस, ये बीच में जैसे पोर्शन बच गया है तो हमें रिमूव पर जाना है और कुछ इस प्रकार सर्कल बना देना है। ऊपर भी हमें कुछ इसी प्रकार वर्क करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसको कवर कर लिया है। तो गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ढंग से करूँगा, तो आप अपने हिसाब से बहुत आराम से कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए इतना यूज़ किया है। इतना वर्क हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारे हेयर की तरफ जाना है और आपको ऊपर से सेकेंड नंबर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फोर्थ रो में आपको तीसरे नंबर पर एक टूल दिखेगा, रिफाइन एज, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। तो ये जो ब्रूश है उसको हमें हेयर की तरफ फेर देना है।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार मैं इस ब्रश को फेर रहा हूँ, आपको भी कुछ इसी प्रकार हेयर पर इसको फेर देना है। तो गाइस आप देखेंगे कि इसको फेरने के बाद जो हमारे हेयर थे उस पर अपने आप ही सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद हमें राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर देगा। अब हमें दोबारा से ऊपर से सेकंड नंबर पर क्लिक करना है और फेदर पर जाना है और इसके फेदर को हमें 5 कर देना है। फाइव कर देने के बाद हमें राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज लगभग हमारा 80% वर्क हो गया है। इसके बाद हमें ऊपर से दूसरे नंबर के टूल पर क्लिक करना है और आपको एग्जैक्ट नंबर का टूल दिखेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो गाइज जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो तो इरेज हो जाएगा और हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल प्रोफेशनली कंप्यूटर की तरह इरेज हो गया है। गाइज अब हमें क्या करना है, ऊपर दोबारा से सेकंड नंबर पर क्लिक करना है और इसे डीसेलेक्ट कर देना है। गाइज अब आप हेयर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे हेयर की एक एक बालों की कटिंग हो गई है। अब आप इसको किसी भी बैकग्राउंड में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके PNG को सेव करने के लिए अब हमें डन के ऊपर क्लिक कर देना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें नीचे से ये आपको दूसरे नंबर का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और सेव टू गैलरी कर देना है। इसके बाद हमें PNG सेलेक्ट करके फ़ोटो पर क्लिक करके और ओके पर क्लिक कर देना है। तो इसका जो PNG होगा वो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा और उस PNG को हम किसी भी बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। तो बस आई होप कि आपको वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। अगर आया तो बस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं फिर से एकदम नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।